हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अपनी जैन परियोजना में 70,000 लीटर क्षमता वाले वाटर स्प्रिंकलर को अपनी मशीनी बेड़े में शामिल किया है। मंगलवार को एलसीएल सीएमडी श्री पी के सिन्हा, निदेशक श्री गुणाधर पांडे, निदेशक श्री एन एन ठाकुर ने यह स्प्रिंकलर राष्ट्र को समर्पित किया। सीएमडी श्री सिन्हा ने इस अवसर पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एनसीएल द्वारा किए हजारों प्रयासों में बड़ी क्षमता के वाटर स्प्रिंकलर अहम योगदान देंगे तथा आने वाले समय में कंपनी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपने कार्यों को नई प्रगति देंगे। समारोह में महाप्रबंधक जयंत श्री संजय मिश्रा, अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के तकनीकी सचिव श्री पी के विश्वल एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद हैं। एनसीएल ने हाल ही में 70,000 लीटर क्षमता के 14 वाटर स्प्रिंकलर खरीदे हैं, जिनमें 7 जयंत व 7 दुधी चूहा को दिए जाने हैं। शेष 13 स्प्रिंकलरों में से इस माह के अंत तक एक और स्प्रिंकलर जयंत में व 5 के दुधी चूहा में आने की उम्मीद है। ये स्प्रिंकलर 1 मिनट में 3,000 लीटर पानी एवं 85 मीटर की ऊंचाई तक फेंकने की क्षमता रखते हैं। इस स्प्रिंकलर में आपातकालीन स्टीयरिंग एवं ब्रेकिंग, निकटतम चेतावनी यंत्र, आग बुझाने की क्षमता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से एनसीएल की खदानों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। गौरतलब है कि अभी एनसीएल के पास विभिन्न क्षमताओं के कुल 52 वाटर स्प्रिंकलर हैं। कंपनी के पास 1,000 से भी ज्यादा भारी मशीनें हैं जो दिन रात काम कर कोयला उत्पादन कार्य में सहयोग दे रही हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।